हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ममता और आप हैं ममताज़ किचन में। तो आज हम लोग गेहूं का मीठा दलिया बनाएंगे। ये बहुत ही पौष्टिक चीज़ होती है और इसको आप बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदे वाली होती है। उस पे भरपूर मात्रा में आयरन होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है और ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गेहूं का दलिया बनाना। तो इसके लिए देखिए, मैंने कुकर ले लिया है और अब मैं इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। तो 1 चम्मच देखिए मैंने देसी घी डाल दिया है इसमें। अब जैसे ही ये थोड़ा सा गर्म होगा तो मैं इसमें कुछ मसाले डालूँगी जो कि हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं और अगर आप दलिया इससे बनाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट। देखिए इसमें 1 छोटी इलायची डाली है मैंने, थोड़ी सी सौंफ डाली है, थोड़े से दाने काली मिर्च के और आधा चम्मच करीब जीरा डाला है इसमें मैंने। तो जैसे ही घी गर्म होगा मैं सारे मसाले इसमें डाल दूँगी। देखिए ये मेरा सारा जो है, अब मैं सारे मसाले इसमें डाल रही हूँ। देखिए अब इसको थोड़ा सा मैं भूनूंगी, थोड़ा ज़्यादा नहीं, लाल नहीं करना है बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा मैं भूनूंगी और उसके बाद मैं इसमें 1 कटोरी दलिया डाल दूँगी। ये देखिए अब मैं इसको भून रही हूँ तो थोड़ा सा जब भुन जाएगा तो मैं इसमें 1 कटोरी दलिया डालूँगा। दलिया जो होता है हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। अगर आप लोग ये रात में खाएंगे तो ये गट्स हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी। देखिए मैंने इसमें 1 कटोरी दलिया डाल दिया है और मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा भूनूंगी, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है इसको, हल्का सा कलर चेंज करना है खाली इसका, थोड़ा सा भूनूंगी मैं इसको, थोड़ा सा कलर इसका सिर्फ चेंज होना चाहिए और ये जो जीरा वीरा मैंने डाला था इसके साथ ही अच्छे से भुन जाए। और जो लोग दलिया खाते हैं उनको आयरन की कमी कभी भी नहीं होती है। अगर आप अपने डेली डाइट में आप इसको खाएंगे तो आपके शरीर में आयरन भरपूर मात्रा में रहेगा और आपकी पाचन का जो सिस्टम होता है वो भी अच्छा रहेगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी पाचन से रिलेटेड। तो आप इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए, बच्चों को भी दीजिए, बड़ों को भी दीजिए, तो आप इसको ज़रूर बनाया करिए। देखिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा भून रही हूँ, अब इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए कलर ऐसा हो गया है। अब इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करना है, ये लगभग सफिशिएंट राइट कलर है ये। तो अब मैं इसमें क्या करूँगी, मैं इसमें 2 बड़े ग्लास भर के पानी डाल दूँगी। देखिए थोड़ा सा मैं और भून रही हूँ इसको भी। अब बहुत झटपट बन के रेसिपी तैयार हो जाती है, इसके लिए कोई पहले से भी प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती है। दलिया घर में पैकेट आ जाता है, गेहूं का दलिया के पैकेट मार्केट में मिलते हैं, वो आप ला के रखिए, नहीं तो आप चाहें तो बाज़ार से गेहूं को पिसवा भी सकते हैं, कुटवा भी सकते हैं, तो उससे भी दलिया बन जाता है। मैं ये मार्केट वाला दलिया बना रही हूँ तो ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी आपको आज की अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा और मेरे सब्सक्राइब करिएगा मुझे, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ममता वसंदानी और मेरी रेसिपीज़ को आप शेयर भी करिए। और अगर कुछ अच्छा लगता है या बुरा लगता है तो कमेंट करके भी मुझे बताइए ताकि मैं कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। तो देखिए इतने बड़े बड़े 2 ग्लास भर के मैं इसमें आप पानी डाल रही हूँ, ये अभी 1 ग्लास डाला है, 1 ग्लास अभी मैं और डालूंगी। और इसमें बॉईल आने देंगे पहले एक, और अब मैं इसमें देखिए मैंने 1 कटोरी दलिया लिया था तो मैंने इसमें 1/2 कटोरी चीनी डाली है और इसको मिक्स कर दूंगी। और अगर आपके पास चीनी आप ना खाते हो तो आप इसमें गुड़ डाल सकते हैं, और अगर गुड़ भी पसंद ना हो तो हल्का सा दलिया जब बनकर रेडी हो सकता है तो आप उसमें शहद डाल दीजिएगा। फ्रेंड्स सॉरी, मैंने आपको 2 ग्लास बोले थे, मैंने इसमें 1 ही ग्लास पानी डाला है। तो अब मैं इसको बंद करके कुकर को
और 5-6 विसल आने दूंगी सिम गैस पे। तो देखिए अब हमारा दलिया बनकर रेडी हो गया है, इसमें सीटियाँ आ गई हैं 5-6, अब ये गल गया है। तो अब मैं इस टाइम पर इसमें दूध डालूंगी। दूध आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, एक कटोरी में लगभग आपका 2 ग्लास दूध चला जाएगा, यानी कि आधा किलो दूध तो पड़ ही जाएगा। और फिर आपको ज़रूरत और लगती है तो आप और भी डाल सकते हैं, जैसा आपका टेस्ट हो, जितना लिक्विडी आपको पसंद हो आप उस हिसाब से दलिया को बना सकते हैं। देखिए मैं इसमें दूध डाल रही हूँ, ये देखिए 1 ग्लास मैंने डाल दिया, 1 ग्लास और डालूंगी मैं, 1 ग्लास और डालूंगी मैं इसमें भी। और अब जो है इसको बॉयल आने देंगे। देखिए 2 ग्लास दूध डाल दिया मैंने इसमें, 1 ग्लास पहले डाला था, 1 ग्लास अभी डाल दिया मैंने इसमें। अब इसको अच्छे से बॉईल आने देंगे। और अब हमारा दलिया बनकर बिल्कुल रेडी है। और आप इसमें चाहें तो अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, मैंने इसमें बादाम, काजू और किशमिश डाला। ये मैंने थोड़ी सी निकाला दलिया टेस्ट करने के लिए कि चीनी ठीक है कि नहीं, तो मुझे तो ठीक लग रहा है, 1 कटोरी दलिया में आधी कटोरी चीनी, बाकी आप जैसा टेस्ट पसंद करते हो तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने चेक कर लिया, मुझे सफिशिएंट लगा, टेस्ट इसका सही लगा। तो अब मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डालूंगी कटे हुए, और इसको मैं बाउल में डालूंगी और इसको सर्व करूंगी। ये देखिए ड्राई फ्रूट मैंने काट के रखे, मैंने इसमें बादाम, काजू, किशमिश लिए हैं, और आप चाहें तो और भी कुछ ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। देखिए अब हमारा दलिया बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। थोड़ा सा मैंने ड्राई फ्रूट डेकोरेशन के लिए बचा दिया था, बाकी सब मैंने इसमें डाल दिया, और अब मैं इसको सर्व करूंगी। देखिए बिल्कुल रेडी हो गया हमारा दलिया बनके, ऐसी क्रीमी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, बिल्कुल मलाई जैसा लगना चाहिए देखने में ये, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करिएगा। और बाकी जो बच गया है मैंने उसको ढक के रख दिया। देखिए हमारा दलिया बनकर बिल्कुल रेडी है, इसी तरीके का आपको बनाना है बिल्कुल क्रीमी तरीके से, और मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है। ये देखिए कितना बढ़िया दलिया बनकर हमारा तैयार हुआ है, ये बहुत ही अच्छी ब्रेकफास्ट डिश है। आप लोग इसे ब्रेकफास्ट में बनाइएगा, या आप इसको नाइट में डिनर में भी बना सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली रेसिपी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।